हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेनू। मैथ्स मेनू में आपका स्वागत है। आज हम कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल को देखेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए। ये जो है ना, गति और मोशन चैप्टर का जो है न्यूमेरिकल है। तो मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है, तो मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल को हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। बोल रहा है क्या, नीचे दी गई चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात ज्ञात करें। यह फिगर है, इस फिगर में दूरी और विस्थापन का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले हम तो देखेंगे कि दूरी क्या होता है। दूरी क्या होता है, दूरी किसी भी रास्ता के सबसे जो लॉन्गेस्ट जो लंबाई होता है, सबसे जो लंबा दूरी होता है, उसी को दूरी कहते हैं। जैसे हम यहाँ से चलेंगे, ए से बी चले, बी से सी चले, सी से डी चले, डी से ई चले, तो यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे करके आकर के ई तक जो हम दूरी तय किए वो हो गया दूरी। और विस्थापन क्या होता है, दो बिंदु दो ठो जो दूरी हम जो तय किए उस दूरी, जैसे हम ए से लेकर के ई तक दूरी तय किए, तो ए से लेकर के ई तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, छोटा दूरी हुआ, उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो अगर हमको ए से ई तक आना है, तो हमको यहाँ से अगर हम सीधा चले आते हैं तो शॉर्ट में आ जाएंगे। अगर हम लंबा आना है हमको, तो पहले ए से बी पर आएंगे, बी से सी पे आएंगे, सी से डी पे आएंगे, डी से ई पे आएंगे, तो हुआ लंबा दूरी। तो लंबा दूरी तो दूरी कहलाता है, लेकिन दो बिंदु के बीच के जो शॉर्टेस्ट दूरी होता है, शॉर्टेस्ट दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो चलिए, तो अगर हमको दूरी निकालना है तो ए से बी तक जाएंगे, तो ए से लेके बी तक कितना है, ए से बी तक है फोर, ए से बी तक है फोर। पहले लिख लेंगे ए से बी, तो ए ए बी प्लस बी सी, बी सी प्लस सी डी, प्लस सी डी प्लस डी ई, प्लस डी ई। ये हुआ क्या, ये दूरी हुआ पूरा। हम घूम करके गए ऐसे ऐसे करके दूरी। और विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन हुआ, विस्थापन जो हुआ, तो यहां से लेकर ए से लेकर ई तक ये सीधा जो दूरी है वो, तो विस्थापन हुआ ए ए सी और ई। ये हुआ ए सी और ई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस, ए सी प्लस सी ई, सी ई लिख सकते हैं। अब देखिए ए बी कितना है, ए बी है चार, प्लस में बी सी कितना है, बी सी है थ्री, और सी डी कितना है, सी डी है फिर चार, और डी कितना है, डी भी है तीन। अब डी ई तीन है, अब इसको तो निकाल लिए ये दूरी, लेकिन अब यहां से यहां तक की तो दूरी हमको नहीं पता है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो आप देखते होंगे, अगर हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलते हैं, तो ये चार दिया है, ये तीन दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर है, तो लंब का स्क्वायर कितना है, तो चार का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो तीन का स्क्वायर, और बराबर में कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है, ए सी, ए सी का स्क्वायर। अब चार चौका सोलह, तीन तिहाई नौ, और ये हो गया ए सी, ए सी हो गया। अब सोलह और नौ हो जाता है पच्चीस, ये हो गया, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा, तो पच्चीस बराबर ए सी, ये रूट इधर चल गया, तो ए का मान कितना आ गया, ए सी का मान आ गया फाइव, फाइव आ गया, फाइव यहाँ पर लिख देंगे। जिस तरह जहाँ चार था यहाँ तीन था, तो यहाँ फाइव आया था, यहाँ भी चार है तीन है, तो यहाँ भी तो फाइव आ जाएगा, तो यहाँ पे फाइव प्लस फाइव। अब इसको जोड़िए, तो चार तीन सात, चार ग्यारह तीन पंद्रह, सॉरी चार तीन सात, चार ग्यारह और तीन चौदह, चौदह और फाइव फाइव टेन हो जाएगा। अब इसको काटेंगे जहाँ तक कटेगा, तो ये सेवन हुआ और ये फाइव हुआ। तो यहाँ पे विस्थापन और
दूरी और विस्थापन का जो अनुपात हुआ, दूरी हुआ 7 और विस्थापन हुआ 5। उस तरह से अब उसी तरह से जिस तरह से ये सवाल को हम सॉल्व किए हैं, ये सवाल थोड़ा सा टफ में आता है, ये तो सिंपल था, ये थोड़ा टफ है, इसको हम देखते हैं कैसे किया जाता है। बोला है कि यदि कोई गाय वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है, एक वृत्ताकार पथ है, समझिए कि यहाँ पे गाय बंधा हुआ है, यहाँ पे गाय बंधा हुआ है, ये डोरी यहाँ पे ये डोर है गाय का, यहाँ तक है, ये गाय जो है ना इस पे चक्कर लगा रही है, तो कितना चक्कर लगाई है। सवाल बोला कि 2.5 चक्कर लगाती है, तो गाय द्वारा तय किया गया दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो हम बोले हैं कि विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट दूरी होता है, तो अगर गाय यहाँ पे बंधी हुई है, एक बार इधर आएगी और फिर एक बार यहाँ से फिर इधर आएगी, शॉर्टेस्ट दूरी तो वही होगा, यहाँ पे बंधी हुई है, इधर चले आए चाहे इधर चले आए, शॉर्टेस्ट तो वही हो गया। लेकिन अगर गाय इसका चक्कर लगाए तो बड़ा दूरी, तो ये चक्कर हो गया, तो शॉर्टेस्ट दूरी तो हम जानते हैं 7 सेंटीमीटर ये और 7 सेंटीमीटर ये, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, तो इसका विस्थापन आ गया। तो विस्थापन तो पहले लिख देंगे, विस्थापन 14 सेंटीमीटर विस्थापन आ गया। 14 सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि यहां से यहां तक के बीच की दूरी है, शॉर्टेस्ट दूरी विस्थापन होता है, तो शॉर्टेस्ट दूरी विस्थापन होता है, विस्थापन ये हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, चक्कर निकालते हैं, यह गाय जो है इसका पूरा दूरी निकालते हैं, तो जो वृत्ताकार पथ पर ये चक्कर काट रहा है, तो वृत्ताकार पथ पर अगर एक चक्कर काटेगा यहाँ से लेकर के चलेगा गाय ऐसे करके, फिर घूम करके आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो एक चक्कर काट लेगा, तो मतलब वृत्त का परिधि पर वो चक्कर काटेगा, तो वृत्त का परिधि होता है, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर होता है 2πr, एक चक्कर लगाएगा तो 2πr लगाएगा, लेकिन चक्कर लगाया कितना है, 2.5 चक्कर, चक्कर लगाया है कितना, 2.5 चक्कर लगाया, तो एक चक्कर 2πr लगाया था, 2.5 चक्कर लगाया तो 2.5 से तो गुना करेंगे एक चक्कर को, तब ना 2.5 चक्कर में कितना दूरी होगा, तो यहाँ देखिए 2πr गुने 2.5 मतलब 2 × 4 = 5, 5/2 हो गया ये पूरा चक्कर। अब यहाँ पे जहां जहां पे मान है उसको, मान को हम पुट करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू है 7, आर का वैल्यू, तो 2 × 22/7, पाई का मान इंटू आर का मान 7 और इंटू 5/2। अब इसको काटेंगे, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, अब इसको गुना करना है, तो 5 को गुना कर देंगे 5 से, 5 × 10 और 5 × 10 1 × 11, 110 मीटर क्या होगा इसका पूरा दूरी हो गया, पूरा दूरी 110 मीटर, दूरी हुआ ये और विस्थापन हुआ ये। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, अगर वीडियो में और इससे ज्यादा न्यूमेरिकल चाहते हैं फिजिक्स का, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, और कमेंट बॉक्स में लिख के बोल लें कि हमको और वीडियो चाहिए, तो इस तरह का रिलेटेड और वीडियो हम डालेंगे।